एक्स बराबर दे दिया है 10 + 3 √11 और पूछा है कि x + 1 y x बोलो क्या होगा। आप देखिए सबसे पहले आपको सोचना क्या है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो बोलेंगे एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, यही ना बड़ा यही ना छोटा है बताइए। और आपको करना है कि बड़ा का वर्ग और छोटा के वर्ग का डिफरेंस एक होना चाहिए, तब एक रूल लगाएंगे। बड़ा का वर्ग 10 का वर्ग 100 और 3 √11 का कितना 99, 100 99 में एक का डिफरेंस है। जब बड़ा का वर्ग छोटा का वर्ग का डिफरेंस एक हो, जब आपसे x प्लस 1 y x पूछे तो 12 में 2 से गुणा कर दो, क्या बोले 12 में 2 से गुणा कर दो, तो 12 × 10 = 2, इसका आंसर डायरेक्ट 20 आ गया। अगर कहीं आपसे पूछता रे नहीं x माइनस 1 y x बोलो, माइनस में पूछता तो छोटा में 2 से गुणा करते, छोटा में 2 से गुणा करते, छोटा कौन है 3 √11 में 2 से, तो 6 √11 आंसर। समझ गया कॉन्सेप्ट को।